तो जल्दी है बहुत ज़्यादा निकलने की। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग हैं रामपुर में। कल का ब्लॉग मैं एंड नहीं कर पाया क्योंकि कल हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, तो उसके लिए वेरी सॉरी। और आज हम यहाँ से निकल रहे हैं देहरादून के लिए डायरेक्ट, और शिमला होकर निकल रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 4:47, यहाँ से अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट अभी थोड़ा लगेज भी माउंट करना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सी यू ऑन रोड, टिल देन राइड सेफ स्टे सेफ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं, बाइक तैयार हैं, दीपांशु भाई भी रेडी हैं, और हम लोग आज निकलेंगे देहरादून तक। और वहाँ तक की दूरी है 347 किलोमीटर, 9-9.5 घंटे, और शिमला शिमला वाला रूट ले रहे हैं ना, ये चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है इस साइड का, मतलब कि जो रोड नारकंडा शिमला वाली है, ट्री लाइन बहुत ज़बरदस्त है यहाँ की, और राइड करने में जैसे बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है साथ साथ, क्योंकि जैकेट वगैरह पहनी हम लोगों ने। पर ट्री लाइन देखो वो ज़बरदस्त है। तो आ गया है नारकंडा, क्या नारकंडा तो खत्म हो गया, पीछे बीत गया। हाँ बस, हाँ कहीं चाय का वो कुछ ढाबा वाबा भी कहीं कुछ नहीं दिख रहा यार, इतनी देर से हम वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। दीपांश भाई पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। और अभी ब्रेक लिया हम लोगों ने, नारकंडा से थोड़ा आगे निकल चुके हैं, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। और आज हम लोग देहरादून पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे, और कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी बाइक्स हमारी इधर लगी हैं, और पीछे का व्यू देखो जानदार है। और भी कुछ यहाँ पर शानदार और जानदार मिलता है खाने को, वो दिखाते हैं आपको, आइए। तो ये देखिए यहाँ पर ये चेरी मिलती है इस तरीके की, और ये है बादाम। तो अभी हम लोग फागू क्रॉस करने, शायद कुफरी क्रॉस करा है या फागू, आई थिंक कुफरी क्रॉस कर लिया है। तो और अब हम लोग शिमला में एंटर हो रहे हैं, रोड अच्छी है, मौसम अच्छा है, लोग भी अच्छे तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। शिमला है 14 किलोमीटर, सोलन 69। अब यहाँ से ये ढलान 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 सीधे शिमला तक जाएगी।
ले भैया इन्हें तो नहीं से मोड़ दी। ये देखो किसको, हम लोग को सीधे जाना है। ये देखो रहने दो रहने दो अभी रहने दो, ये रख ले, गाड़ियाँ आ रही हैं। देखो इसकी वजह से फट जाएगा ना सारा मामला। इसको जल्दी है बहुत ज़्यादा निकलने की। दिल्ली चंडीगढ़ शिमला के लिए राइट, सोलन के लिए लेफ्ट 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 लेफ्ट। तो ये आ गई है टनल एक, पता नहीं क्या तो हम लोग फिलहाल यहाँ से निकल लें, थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लिया था। हाँ तो इन बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है अभी, तो 108 कॉल खड़ा है, आ रही है। तो मतलब क्या बताया जाए यार, मतलब मैंने आज पहली बार ऐसे एक्सीडेंट देखा। उन बच्चों की गलती थी, मैं जानता हूँ इस गलती से किस तरीके से वो ओवरटेक कर रहे थे। रेड वाले लड़के का हाथ टूट गया है, मतलब उंगली उसकी फ्रैक्चर, उंगली टूट गई ना उसकी। अरे यार हम तो कहे सर दोनों गए, पिछले पहिए के पास टकराए थे वो, और पीछे भी गाड़ी थी यार, चश्मा उसका यहीं रखा है। तो 108 आ रही थोड़ी देर में, लोकेशन भेज दी है और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बींग ए बाइकर हमारा फर्ज था ये कि हेल्प कर दें उनकी। मुजफ्फरनगर के है ना लड़के, रुक जाओ स्टैंड हटा लेना स्टैंड। गलत ओवरटेकिंग आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल देगी कि आप क्या करूं क्या ना करूं, और ख़ास तौर से पहाड़ों पे टर्न पर ओवरटेक बिल्कुल ना करें। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं सोलन, ये रहा सोलन का बस अड्डा, और अभी यहाँ से लेना है नाहन वाला रूट। हम लोग नाहन पहुंचने वाले हैं, मतलब अरे अभी तो टाइम है, मतलब अभी आएगा इसके बाद नाहन, नाहन के बाद आएगा पौंटा साहिब, और पौंटा साहिब से देहरादून ज़्यादा दूर नहीं है, तो हो सकता है पौंटा साहिब में ही रुक जाएं। और इधर की रोड बहुत अच्छी है, इस रास्ते की खासियत यह है कि काफ़ी ग्रीन है, आप देख रहे हो हर तरफ पेड़ हैं यार, मतलब मज़ा आ रहा है देख कर। और कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा हैं, ब्लाइंड कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये आ गया है श्री पौंटा साहिब गुरुद्वारे,
और हम लोग को सीधे निकलना है इधर 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 टाइम कम होने की वजह से हम लोग देहरादून की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, वरना पौंटा साहिब भी जरूर जाते। देहरादून है 45, हरिद्वार है 108 किलोमीटर। जी हाँ भाइयों, तो आज का स्टे लेंगे देहरादून में, और अभी होटल वोटल कुछ नहीं बुक करा है, देखते हैं पहुंच के क्या होता है। तो गाइस फाइनली अभी हम अपने होटल में जा रहे हैं फॉर योर रूम, बट वो थोड़ा शहर के अंदर जाकर है। मेरी प्रेफरेंस थी कि शहर के बाहर वाला लेते हैं। तो गाइस देहरादून पहुंच गए हम लोग, अभी होटल में जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 6:30 हो गया, आधा घंटा और लगेगा होटल में पहुंचने पर, उसके बाद फ्रेशन अप होते हैं और ब्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म अभी फ़िलहाल। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस वेलकम बैक, और अभी हम पहुंच गए हैं देहरादून, कैसे करते करते पहुंच गए और करते कराते रूम भी मिली गया आज। कुछ पता नहीं क्या है देहरादून में आज रूम की बड़ी शॉर्टेज थी होटल में। और ये है हमारे कुछ रूम के हालात। वेल सो फार सो गुड, हम होटल में हैं अभी और दीपांशु भाई मेरे साथ में है, और कल हम लोग निकलेंगे अपने अपने होम टाउन के लिए। बस आज की रात है हमारे और दीपांशु भाई के पास, तो हम लोग यहाँ से अभी थोड़ा डिनर करेंगे और उसके बाद कल की राइड बची है तकरीबन हमारी 550 किलोमीटर की। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, सोते हैं और फिर बाद में आपसे मिलते हैं। Till then, right, stay safe. Bye-bye.